नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पुंडी टैक में। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर लगातार पीएसएल रिफंड से जुड़ी हुई खबरें अपलोड करता रहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सभी निवेशकों के लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी लेकर के आया हूं। लेकिन दोस्तों, उस ज़रूरी जानकारी को बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी है उसे भी दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे निवेशक जो अभी तक अपना पीएसएल का रिफंड स्टेटस चेक नहीं कर पाए हैं, दोस्तों ऐसे ही निवेशकों की मदद के लिए आज मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूं कि आप कैसे अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। दोस्तों, कुछ निवेशकों ने हमें मैसेज किए हैं, उन्हीं मैसेज में उन्होंने अपना पीएसएल का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो भेजा है। उन्हीं में से कुछ निवेशकों के नंबर दोस्तों आपको आज इस वीडियो में लाइव चेक करके दिखाने वाला हूं। इसकी मदद से दोस्तों आप भी अपने नंबर को बहुत ही आसानी से चेक कर पाएंगे। इसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले अपने मोबाइल में ओपन कर लेते हैं क्रोम ब्राउज़र। देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद सर्च बार में लिखना है सेबी पीएसएल रिफंड, और दोस्तों सेबी पीएसएल रिफंड लिखने के बाद सर्च कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको दिखाई देगा पीएसएल होम। दोस्तों, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आप जैसे ही पीएसएल होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। देखिए, दाईं साइड में सबसे ऊपर आपको तीन डॉट दिखाई देंगे, आपको उसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। दोस्तों, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। अब दोस्तों नीचे देखिए, आपको दिखाई देगा डेस्कटॉप साइट, उसके सामने दोस्तों एक बॉक्स बना हुआ है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, आप जैसे ही डेस्कटॉप साइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, जिस तरह से कंप्यूटर लैपटॉप पर ओपन होता है। अब देखिए दोस्तों, आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा दाईं साइड में इंक्वायरी अबाउट पेमेंट स्टेटस, और दोस्तों उसके नीचे लिखा हुआ इंक्वायरी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर अपना पीएसएल सर्टिफिकेट नंबर और उसके बाद आपको इसमें जो कैप्चा लिखा हुआ है नीचे वो भरना है, और उसके बाद सर्च पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक निवेशक का नंबर डाल देता हूँ। दोस्तों, पीएसएल सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है। दोस्तों, कैप्चा डालने के बाद साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों, आप जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपने जो नंबर डाला है उसका स्टेटस आपको नीचे दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा पीएसएल रजिस्ट्रेशन नंबर, इन्वेस्टर्स का नाम, पैन कार्ड नंबर, स्टेटस है उसे आप पढ़ सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर क्लेम एप्लीकेशन स्टेटस, ये दोस्तों इसमें लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन कुड नॉट बी प्रोसीड फर्दर एट दिस स्टेज। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आप अपना स्टेटस मोबाइल पर चेक करना चाहते हैं तो उसे आप सही से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें साइड में कटा हुआ है, और अगर आप दोस्तों इसे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर चेक करेंगे तो वहाँ पर दोस्तों इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप मोबाइल में चेक कर रहे हैं तो इसमें आपको साइड में यहाँ पर कटा हुआ दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है काइंडली आल्सो री वेरीफाई एंड और रेक्टिफाई द बैंक डिटेल्स एंटर्ड बाई यू अर्लियर। दोस्तों, इसमें सेबी ने बताया है कि जो इन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसे सही करने के लिए दोस्तों इसमें नीचे एडिट क्लेम एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों, ये जो एडिट का ऑप्शन इन्हें मिला है, ज़्यादातर निवेशकों को नहीं मिला हुआ है। दोस्तों, जिन निवेशकों को एडिट का ऑप्शन मिला हुआ है वही अपनी एप्लीकेशन को सही कर पाएंगे, और जिन्हें दोस्तों एडिट का ऑप्शन नहीं मिला है उनके लिए दोस्तों अभी कोई भी सेबी ने किसी भी प्रकार की सूचना जारी नहीं की है। लेकिन दोस्तों, जल्दी उम्मीद है कि सेबी उनके लिए भी कुछ ना कुछ अपडेट जारी करेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे अपने मोबाइल से। दोस्तों, अगर आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो घंटी का आइकन है दोस्तों उसे भी दबाना ना भूले ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों।